आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 मार्च 2023 की बड़ी अपडेट के बारे में। आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से आपका कोई भी रिजल्ट या ग्रेड कार्ड की कोई भी नई अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही थी। लास्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आई थी 10 मार्च 2023 को। तो 10 मार्च 2023 के बाद से आपका रिजल्ट या ग्रेड कार्ड या असाइनमेंट किसी की भी रिजल्ट की अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन आज काफ़ी सारी अपडेट आई हैं। तो आज हमारी इसी के ऊपर वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको उसकी जानकारी मेरी तरफ से तुरंत मिल जाती है। तो सीधा वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्म एंड दिसंबर 2022 एग्ज़ाम रिजल्ट, दिसंबर 2022 का जिन्होंने भी थ्योरी एग्ज़ाम दिए थे उनके रिजल्ट की आज 28th अपडेट जो है वो जारी की गई है 16 मार्च 2023 को। 6 दिनों बाद आपके रिजल्ट की नई अपडेट जारी की गई है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी अपडेट्स भी इग्नू की तरफ से अलग अलग जारी की गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है आपकी दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम रिजल्ट, जो थ्योरी एग्ज़ाम रिजल्ट है जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था, और उनके कुछ अपडेट्स आनी रह गई थी। तो आज फिर से आपके लिए एक और अपडेट जारी की गई है 16 मार्च 2023 को। आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर जो लिंक अवेलेबल है उस पर क्लिक कीजिए, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उस पर आपको अपना 9 डिजिट या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डालना होगा और सबमिट करना होगा, और आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे कि आपका आज कोई सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है या फिर नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इवन अगर आपका आज की अपडेट में कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाता, तो आपको 2 या 3 दिन का और इंतज़ार करना होगा और आपकी जो रिजल्ट की नेक्स्ट अपडेट है वो आपके लिए जारी कर दी जाएगी। तो आपको अगर इस अपडेट में आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका 48 आवर्स के अंदर आपका जो ग्रेड कार्ड है वो भी अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस अपडेट में आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता थ्योरी रिजल्ट, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।